एक्शन की बात करें आज डेफिनेटली तो पूरी तरह से मिड कैप्स ही राज कर रहे हैं. एक्चुअली मिड कैप इंडेक्स करीब 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर और आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक के ट्रेडर्स को थोड़ा सा ब्रीदर मिला है. okay. लगातार ये जो स्प्रिंट करते दिखाई दे रहे थे कि हर रोज 400 मीटर तो वहाँ पर एक विराम लगा और ये जो छोटे मझौले काउंटर्स हैं उन्होंने एक बहुत तगड़ी तेजी दिखाई. तो आज भले ही इंडेक्स लेवल पर हमने उतनी बड़ी बड़ी तेजी नहीं देखी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अच्छा था. लेकिन हर्षदा एक कंसर्न है क्योंकि हम पिछले मेरे ख्याल से 3-4 दिनों से लगातार 11,900 को छूते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, फिर से नीचे आ जाते हैं. और 11,946 का मुझे याद है कि 13 तारीख का हाई था, उस हाई को आज हमने फिर छुआ, फिर 11,900 के नीचे आ गई है. 11,900 पर पनवती बन गई है. इसके ऊपर जाने ही नहीं मिलता. आप पनवती कह रहे हैं, लेकिन टेक्निकल ट्रेडर्स और इंटेलिजेंट ट्रेडर्स करेंगे कि ये रेजिस्टेंस लेवल्स okay. है, इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट में और स्ट्रेंथ आएगी. लेकिन एक चीज है, जिस बेसिस पर हम भागे थे और अच्छी खासी 12,000, 12,100, 12,300 और 13,000 के सपने देख रहे थे, वो प्राइमरीली ये था कि FIIs बड़े पैमाने पर खरीदारी करेंगे. लेकिन अगर आप पिछला हफ्ता देखें तो फ्राइडे के सत्र में बड़ी बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिला मार्केट में. उसके पहले वाले सत्र में भी दो दिन मिलाकर हमने देखा है कि अच्छी खासी बिकवाली हुई है, तो वो थोड़ा सा अब सेट इन होता हुआ दिखाई दे रहा है. और इस समय वो FIIs का पार्टिसिपेशन है नहीं, और उसके बावजूद अगर ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि डोमेस्टिक मनी आ रहा है. और डोमेस्टिक मनी हमेशा आ रहा था, ठीक है, मार्केट थकता है, हर कोई थकता है, मैं वही कह रही हूँ. 400 इनहेरेंट स्ट्रेंथ अभी भी है. चलिए क्या चला स्टॉक्स पे बात करें तो हर्षदा ग्लेनमार्क CLSA की रिपोर्ट में ऐसा क्या था 21% भाग गया. मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें ये कहा गया है कि 3 साल बाद पहले बार ऐसा हुआ है कि ग्लेनमार्क के सारे कारोबार इंडिया, US और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वहाँ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली. ऐसा हुआ नहीं है ग्लेनमार्क में. दूसरा, वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन जैसे कि आज सुबह समील कारला बोल रहे थे कि वो शायद बैलेंस शीट को ज़्यादा देखेंगे, PNL को नहीं देखेंगे. तो डेट इसका कंसर्न है. CLSA भी कह रहा है कि डेट कंसर्न है, लेकिन फिर भी अब हम इसको अपग्रेड करेंगे, सेल से सीधा बाय कर देंगे. और वैसे भी इसने 14 तारीख को ही अपना 52 लो बनाया, उसके बाद नतीजे आए, स्टॉक में तेज़ी देखने मिली. और आज तो देखिए दो दिन में कितना भागा होगा, लगभग 100 रुपए भाग गया, इतना मुझे याद है. 267 था, आज 367 के आसपास आया है, तो 100 रुपए तो भाग गया. लेकिन CLSA की रिपोर्ट में मुझे अभी तक समझ नहीं आया ऐसा क्या था कि 20% चल गया. तो ये वही अंडर ओनरशिप वाली स्थिति है. अगर आपको याद होगा पिछले 2-3 हफ्ते पहले भी हम फार्मा को लेकर यही बात कर रहे थे डिस्टिंक्टिवली कि इस समय अंडर ओनरशिप है फार्मा स्टॉक, ज्यादा लोगों के हाथ में नहीं है. नहीं, और अगर इन आंकड़ों में CLSA को थोड़ा सा भी एक माइन्यूट चीज अच्छी लगी है तो वो प्राइमरली बस को मिस नहीं करना चाहते हैं. एट द मोस्ट वो क्या कहेंगे कि अगले क्वार्टर में अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं आता या इंप्रूव नहीं होता है, वो अपनी रेटिंग शायद बाकी रखेंगे, लेकिन टारगेट थोड़ा सा घटा देंगे. मुझे याद है कैडिला के ऊपर भी याद है आपको नतीजे आए थे, उसके बाद वो मोरैया प्लांट था मेरे कैसे उनका, जिसको लेके इश्यू आया था, तो नेगेटिव था. हाँ, और ब्रोकर हाउस ने कहा था कि ये गिरेगा तो हम खरीदेंगे, और वही देखने मिला कि जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं उनमें जैसे जैसे खराब खबरें आती हैं लोग खरीदते हैं, और अच्छी खबरें आई तो सब खरीदते हैं. और इसके चलते हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली, अच्छी खासी रैली देखने मिली है. तो अंडर ओनरशिप जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है फार्मा कंपनीज के साथ. तो अब याद रखिए, कोई भी अच्छी खबर आई ना तो ये फार्मा स्टॉक्स जम के दौड़ेंगे. क्यों अर्चना? जी हाँ, जरूर. और गौरव गुप्ता भी यही सवाल पूछ रहे हैं, अरविंदो फार्मा पर इन्वेस्टमेंट व्यू क्या है, क्या अब फार्मा लेकर रखने का टाइम आ गया? देखिए, धीरे धीरे करके आप निवेश करें, अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों में पैसा लगाएंगे, जो हम हमेशा हर सेक्टर के लिए कहते हैं. लेकिन फार्मा में आपने ये देखना है कि किसका एक्सपोजर ग्लोबल मार्केट्स में क्या है और किसके प्लांट में USFDA की पहले दांत गिरी हुई है. हालांकि अब स्थिति काफी इम्प्रूव हुई है 2 साल के कंपैरिजन में, लेकिन हाँ, शायद आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसा इतना खास लगा नहीं था. थोड़ा सा आप आई थिंक 5% कैपिटल कमिट करें, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन स्ट्रिक स्टॉप लॉस रखें क्योंकि फार्मा कॉन्डो उतने रिस्की भी है. किसी ने USFDA उठ के आ गया ना तो स्टॉक 20% गिर भी सकते हैं. अच्छा, यहाँ SBI पे सुमित अचर जी पूछ रहे हैं, हमारे टॉप फैन भी है, कि SBI पे इनको व्यू चाहिए. अब हर्षदा, हम तो पिछले काफ़ी दिनों से 2 बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, ICICI और SBI, और आज जो रिपोर्ट्स आई, भले वो नमूरा हो या सिटी हो, कह रहे कि सबसे बड़ा फ़ायदा अगर ये जो ओवरऑल केस सॉल्व हो रहा है इनका होगा तो SBI और ICICI बैंक को ही होगा. लेकिन अब क्योंकि काफ़ी कुछ डिस्काउंटेड है SBI में, तो इन लेवल्स पे भी हमें ले लेना चाहिए SBI की, अब रुक जाएं? मुझे नहीं लगता डिस्काउंटेड है. ओके वरुण, अब आप देखिए नंबर्स में आगे रिफ्लेक्ट होगा. ओके, सारे नेगेटिव्स कंपनी ने पचाए थे, स्टॉक ने पचाए थे और वहाँ पर था. अब ये थोड़ी सी झलक देखने को मिली है कि अब यहाँ से वो पैसा आएगा. जब वो पैसा आएगा और वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, एक तो उसका पॉजिटिव होगा, साथ ही साथ आपको रजनीश कुमार का आज सुबह का बयान याद होगा, उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा है कि देखिए नवंबर एंड तक ये पैसा हमारे हाथ में आना शुरू होगा और मार्च 2020 तक
बैंकिंग सेक्टर में एक नई जान, एक नई ऊर्जा आती हुई दिखाई देगी। मार्च 2020 right, तो मतलब 6-8 महीने बचे, 6-8 महीने तो इस फिस्कल के चार महीने तेजी देखने को मिलेगी और नंबर्स पूरी तरह से पलट जाएंगे। तो ये तमाम जो प्रोविजनिंग बैंक किया करते थे, जो एनपीए आ रहे थे, वो इन्हीं कंपनियों की तरफ से आ रहे थे और वो अगर खत्म होते हुए दिखाई देंगे, अगर वहां से पूंजी आ रही है तो रीरेटिंग डेफिनेटली होगी। तो अगर नहीं लिया है, लेना चाहिए एसबीआई जैसे स्टॉक्स, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स। मुझे लगता है ये अच्छा पैसा बनने का टाइम, अच्छा पैसा बनेगा आपको लेके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए स्टॉक्स। एक सवाल आपके लिए, दो दफा पूछ लिया है अंगद कुमार झा ने, पिडिलाइट मैं भी वही देख रहा था, 1320 आप स्टॉक और ये इंडस्ट्री आप क्लोजली ट्रैक करते हो, तो इस पर आप ही राय। अब हर्षदा प्रॉब्लम ये है ना कि ये इंडस्ट्री और स्टॉक तो ठीक है, लेकिन ये वो स्टॉक्स है ना जो बोलते हैं ना हाई ग्रोथ स्टॉक्स, पेज इंडस्ट्रीज हो, पिडिलाइट हो, जुबिलेंट हो, अब इन काउंटर्स में जो हाई ग्रोथ स्टॉक है वहाँ ग्रोथ नहीं आ रही, प्रॉब्लम ये। तो अब ये लो ग्रोथ हो चुके हैं, तो ये एक दिक्कत की बात है इन कंपनीज के साथ। पिडिलाइट का आप देख लीजिए, वॉल्यूम ग्रोथ महज 1% के आसपास रह गया। मैंने मैनेजमेंट से पूछा क्या ये बॉटम आउट हो चुका है, नहीं अभी हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब अभी भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह रहा कि हाँ ये बॉटम आउट हो चुका है, यहाँ से शायद आपको गिरावट देखने ना मिले। हालांकि देखिए, आप अगर रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर देखें जिसके ये सूडो प्लेयर्स है बेसिकली, तो वहाँ अगर अच्छी ग्रोथ आएगी तो इन काउंटर्स में भी ग्रोथ आएगी, तो शायद आपको मीडियम टर्म में हो सकता है 2-3 quarters के बाद वो ग्रोथ देखने मिलेगी, लेकिन शायद हो सकता है कि आपको 1-2 quarters और रुकना चाहिए। इन लेवल्स पे आपने लिया, मेरे ख्याल से आपको बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि नुकसान में पिडिलाइट जैसे स्टॉक को बेचना कोई मतलब नहीं है। थोड़े दिन होल्ड कीजिए, भले ये स्टॉक इन लेवल्स के नीचे भी आ जाए तो भी आप होल्ड कीजिए, बने रहिए इन स्टॉक्स में, जब भी बेचे मुनाफे में बेचे, आपको ये काउंटर प्रॉफिट जरूर देके जाएगा। जी हाँ, तो डिपर खरीदारी वाला ही काउंटर है। अच्छा, हेम सातकर पंचाल पूछे, HDFC AMC लॉन्ग टर्म डेफिनेटली सर, बाजार में जिस तरह का मूड है, तेजी का मूव है और आप खुद मार्केट को ट्रैक ही करते आए हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अच्छी खासी कमाई होगी और ये लगभग हर दिन जब भी तेजी हुई है ये नई ऊंचाइयों की तरफ स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया है, तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए जी हाँ इसको लेना चाहिए। LTI इज LNT इन्फोटेक का, ये भी एक अच्छी क्वालिटी का काउंटर है, लेकिन अगर इन दोनों में फर्स्टली ये तो एप्पल और ऑरेंज है, आप दोनों को कंपेयर कर नहीं सकते, लेकिन HDFC AMC तो मैं आपको कहूंगी कि हाँ आप खरीदें आग बंद करके, अच्छा पैसा बनेगा डेफिनेटली। चलिए, यहाँ अजीत पारेक पूछ रहे हैं, टाटा मोटर्स पे क्या व्यू है? अब अच्छा था, ये वो हुआ था ना, ग्लोबल मार्केट थोड़ा सुधरा था तो उसके बाद रैली आई थी, अब धीरे धीरे वो तो खबरें आना थोड़ी कम हो गई है, तो ये हाँ वरुण हमारा जो शो झलकी था उसमें टाटा मोटर्स की बात, हाँ राइट, तो वहीं से कॉन्टेक्स्ट लेकर देखिए, टाटा मोटर्स में इस समय हमने देखा है कि सीवी सेल्स अक्टूबर के महीने में MHCV सेल्स 63% घटी थी, सीवी सेल्स में 36% तक की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस काले बादल में भी एक सिल्वर लाइनिंग है, सिल्वर लाइनिंग अगले एक हफ्ते में निकल कर आएगी, वो है स्क्रैपेज पॉलिसी। स्क्रैपेज पॉलिसी पिछले साल ही हम रिपोर्ट कर रहे थे कि 2 हफ्तों में आएगी, तो एक और हफ्ते का इंतजार है, और स्क्रैपेज पॉलिसी के आने के बाद सरकार यही कोशिश करेगी कि जो कमर्शियल व्हीकल में स्लो डाउन देखने को मिली है उसको बूस्ट मिले और वहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, ये दो और उसके बाद M&M आता है, आयशा का भी छोटा बिजनेस है, बट मेजर प्लेयर्स ये हैं। दूसरी चीज टाटा मोटर्स के लिए इस समय आपने फोकस में रखनी है कि प्रोमोटर ग्रुप यानी कि टाटा सन्स कंपनी में 6,500 करोड़ EGM में इनकी राइट अभी है, इसी हफ्ते है, थर्सडे फ्राइडे को है, तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा। तो देखिए, जब प्रोमोटर ग्रुप कंपनी में खुद पैसा डालते हैं तो उनको भी भरोसा होता है, इसीलिए वो इस तरह की चीजें करते हैं। तो टाटा मोटर्स ऑफकोर्स हमने देखा है कि JLR का बिजनेस कैसा रहा है, हालांकि मैं JLR के आंकड़े भी पढ़ रही थी चाइना में, धीरे धीरे करके वहां पर डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अगर वो US चाइना की बातचीत बन जाती है तो उसके लिए एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा। एक जो नेगेटिव है वो ब्रेक्जिट का है, लेकिन मेरे ख्याल में वो फैक्टर्ड इन है, अनलेस वहां पर कुछ बहुत भयानक नेगेटिव नहीं आता तब वो स्टॉक पिटेगा, लेकिन अब आई गेस ये निचले लेवल से अब उभरना तो चाहिए, मुझे तो उम्मीद है। चलिए, तो उम्मीद है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अब यहाँ पे है ना, सीमेंट काउंटर्स पे काफी सवाल आ रहे हैं, जैसे कि मुदित सिंह पूछे हैं इंडिया सीमेंट, फिर संजीव गोयल पूछे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्होंने 4,200 पे खरीदे हैं। हर्षद, पिछले कुछ दिनों में देखा है कि सीमेंट काउंटर्स की काफ़ी हालत हुई है, भले ही लोग कहते हैं कि प्राइस हाइक हुआ है, अब तो स्टोरी शुरू हुई है, रियल एस्टेट के ये भी सूडो प्लेयर्स है, लेकिन सीमेंट काउंटर्स गिरते जा रहे हैं। महंगे हैं क्या? वैल्यूएशन हो सकते हैं महंगे होंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि इसके पहले जब वो बारिश का समय आया था, प्राइस हाइक नहीं ली थी, तब भी स्टॉक गिरे नहीं थे,
तो कहीं ना कहीं शायद लोगों ने अब उसको फैक्टर इन करना शुरू किया कि हाँ, सबको पता था कि प्राइस हाइक तो होने वाली है, सबको पता था कि इसके बाद थोड़ा बहुत सपोर्ट इनको मिलने वाला है, तो अब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। लेकिन जो बड़ी चीज़ है रियल एस्टेट, उसको लोग अभी तक फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब वो सेक्टर रिवाइव होगा ना तो इस सेक्टर की चांदी होने वाली है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से लगता है आपको अल्ट्राटेक तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, पोर्टफोलियो में आपको रखना चाहिए इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, आपको ये याद रखना चाहिए कोई एक लीडर है सीमेंट में तो वो अल्ट्राटेक है, तो उस लिहाज से आपको अल्ट्राटेक रखना चाहिए। लेकिन हर्षदा इंडिया सीमेंट एक हाई बीटा स्टॉक है, अब ये कब चलेगा कब गिरेगा ना, इसको टाइम करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से इंडिया सीमेंट अगर आपको लेना है ना तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेना चाहिए, उसके बिना आपको ये स्टॉक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है और खबरों में भी रहता है, तो उस लिहाज से भी याद रखिए। तो इंडिया सीमेंट को ट्रेड करें और अल्ट्राटेक को लॉन्ग टर्म के लिए रखें। अच्छा, एक भाई साहब बार बार पूछ रहे हैं, ये भी हमारे टॉप फैन हैं, हितेश पनवर। अच्छा, पीसी ज्वेलर से व्यू लॉन्ग या शॉर्ट टर्म? भाई साहब आपके पास पैसे ना तो सोना पीसी ज्वेलर मत करें, रहने दीजिए। पीसी ज्वेलर में किसी दिन बड़ी तेजी आती है, उसके बाद कुछ नहीं होता उस स्टॉक का। तो अगर आपके पास सोना है और आप सोने वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इससे बेहतर है सोना खरीदिए, खुश रहिए, चेन लीजिए, पीसी ज्वेलर मत लीजिए, और अगर गोल्ड स्टॉक लेना है तो टाइटन लीजिए, पीसी ज्वेलर बिल्कुल मत लेना। चलिए एक आखिरी सवाल पूछते हैं, नरेंद्र सिंह भी पूछ रहे हैं, भारतीय एयरटेल पे व्यू। अब हर्षदा सब कुछ खराब है टेलीकॉम के लिए, लेकिन भारतीय एयरटेल 52 हाई पे ये सबसे बड़ा सरप्राइज है, और उसमें वोडाफोन भी 20% चल जाता है। अब IUC चार्जेस लोग बोल रहे हैं कि शायद IUC चार्जेस जो है बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन मुझे उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। IUC चार्जेस शायद नहीं बढ़ेंगे, भले कितना भी लोग बोले कुछ भी हो, क्योंकि इन लेवल पे भी रख दिया ना तो बड़ी बात हो जाएगी, बढ़ाना तो दूर की बात है, क्योंकि आपने जीरो करने का सोचा था, आप 6 पैसे पे लाके उसको छोड़ रहे हैं, ये भी कर दिया तो बड़ी बात है, तो ये सब तो डिस्काउंटेड है। तो ऐसा क्या है मार्केट जो डिस्काउंट कर रहा है इसके ऊपर, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। मार्केट इस समय ये सोच रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीकेंड पे जो बयान दिया कि डूबने नहीं देंगे, कंपनी को फेल होता नहीं देखना चाहते, इन्होंने ये नहीं कहा कि डूबने नहीं देंगे। अच्छा, फेल होता नहीं देखना चाहते, ये हमारी चाहत है, लेकिन किसको पता, डेफिनेटली तो वो एक खोपराली देखने को मिली थी। तो भारतीय एयरटेल में अगर आपका निवेश है तो धीरे धीरे करके आप थोड़ी सी पोजीशन काटना शुरू करें, एग्जिट करना शुरू करें, क्योंकि आगे काफी अनसर्टेनिटी है। डेफिनेटली एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि शायद एक कैप लगा दिया जाएगा प्राइसिंग के लिहाज से, टैरिफ्स के लिहाज से, कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करने के लिए, बट वो अच्छा नहीं रहेगा इंडस्ट्री के लिए। तो इट्स एनीबडीज गेस, इस समय शॉर्ट कवरिंग काफी तेजी से देखने को मिली है, इस उम्मीद में कि सरकार यहाँ पर कुछ मदद करेगी। लेकिन देखिए, AGR का बड़ा पैसा इनको चुकाना है, वो एक चीज है, और इनको स्पेक्ट्रम वाली फीस कुछ और भी चुकानी है। मैं एक रिपोर्ट आ रही थी कि और शायद इनको पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ से इनका खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, तो थोड़ा सा सावधान रहना। डेफिनेटली, और अगर वोडाफोन गिरता और भारती चलता तो भी समझ में आता कि ये डूबने वाला है, तो ये भारती चल रहा है, दो ही प्लेयर रहेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा गेम थोड़ा फिशी टाइप का लग रहा है। तो आपको भारतीय एयरटेल हो या फिर वोडाफोन हो, अगर इनमें आपका पैसा बन चुका है तो आप निकल जाइए, फ्रेश पोजीशन इन स्टॉक्स में इन लेवल पे तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वोडाफोन में पैसा बना है तो प्लीज बताइएगा, हम उन लोगों से बात करना चाहेंगे जिन्होंने वोडाफोन में पैसा बनाया है। डेफिनेटली, एक चीज है वरुण, एक स्टॉक जो कल रेडार पर रखना चाहिए वो है मारुति। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि अभी अभी खबर आ रही थी, आप नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रही हूं कि इन्होंने वैगनार के दाम बढ़ा दिए हैं, तो उसका कुछ इम्पैक्ट शायद नजर आएगा, लेकिन ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, प्राइस हाइक अब फिर से आना शुरू हो गया है। डेफिनेटली, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सेल हो रही है, नहीं तो प्राइस हाइक करने की हिम्मत नहीं करती, हिम्मत नहीं होती, तो शायद अब मौका देख के चौका मार रहे हैं। डेफिनेटली, तो अच्छी खबर है, और इसी अच्छी खबर पे हम इसे अच्छे नोट पे आपसे विदा लेते हैं, कल आपके साथ फिर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।